वेलिंगटन में टीम इंडिया पर संकट, दूसरी पारी में 10 रन के भीतर पवेलियन लौटे दोनों सलामी बल्लेबाज। न्यूजीलैंड ने भारत के सामने जीत के लिए रखे 435 की कठिन चुनौती, भारतीय बल्लेबाजों का इम्तिहान। 10 के स्कोर पर भारत को लगा पहला झटका, शिखर धवन 2 रन बनाकर लौटे पवेलियन। मुरली विजय एक बार फिर फ्लॉप साबित हुए, 7 रन के स्कोर पर सऊदी का शिकार बने। आज खेल का आखिरी दिन, भारत के सामने अब मैच बचाने की चुनौती। आखिरी दिन लंच से ठीक पहले न्यूजीलैंड ने 8 विकेट पर 680 रन बनाकर पारी समाप्ति की घोषणा की। कप्तान मैकलम ने ठोका 13 शतक। टेस्ट में न्यूजीलैंड की ओर से 13 शतक बनाने वाले मैकलम पहले बल्लेबाज। मार्टिन क्रो ने बनाए थे सबसे ज्यादा 299 रन। 302 रनों की मैराथन पारी खेलकर जहीर की गेंद पर आउट हुए मैकलम। स्टेडियम में मौजूद दर्शकों ने खड़े होकर किया अभिवादन। 13 शतक से पहले 2 दोहरे शतक लगा चुके हैं मैकलम, तीनों पारियां भारत के खिलाफ। 7वें नंबर पर बल्लेबाजी करने आए निशान ने भी ठोका शतक, 137 रन बनाकर अंत तक नाबाद रहे। न्यूजीलैंड की दूसरी पारी में 3 बल्लेबाजों ने ठोका शतक, भारतीय गेंदबाजों ने की जमकर धुनाई। जहीर खान ने 170 रन खर्च करके सबसे ज्यादा 5 विकेट लिए। शमी ने 149 रन लुटाकर 2 शिकार किए। 115 रन लुटाने के बाद जडेजा को एक कामयाबी, 164 रन खर्च करने के बाद भी शांत शर्मा को कोई सफलता नहीं। वेलिंगटन टेस्ट की दूसरी पारी में विकेट के लिए तरसे गेंदबाज, यहां तक कि कप्तान धोनी ने भी की 1 ओवर की गेंदबाजी। दूसरी पारी में 94 रन पर न्यूजीलैंड की आधी टीम को पवेलियन भेज चुकी थी टीम इंडिया, लेकिन मैकलम ने बिगाड़ा खेल। तेलंगाना राज्य के गठन को लेकर आज सियासी घमासान का दिन, सरकार लोकसभा में पेश कर सकती है बिल। पिछले हफ्ते सीमांध्र समर्थक सांसदों के हंगामे की वजह से पेश नहीं हो सका था बिल, काली मिर्च के स्प्रे से मची थी अफरा तफरी। पिछली बार हंगामे को देखते हुए इस बार सरकार सजग, सूत्रों के मुताबिक विरोध के चलते चर्चा नहीं होने पर भी बिल को पास कराएगी सरकार। तेलंगाना बिल पास कराने के लिए कांग्रेस ने कसी कमर, अपने सभी सांसदों को जारी किया व्हिप। कांग्रेस ने 3 पंक्ति का व्हिप जारी कर अपने सांसदों से कहा पूरे हफ्ते तक सदन में मौजूद रहें। पिछली बार सांसदों के हंगामे के बाद संसद के भीतर बढ़ाई गई सुरक्षा, लोकसभा गैलरी में विजिटर्स को भी जाने की अनुमति नहीं। तेलंगाना पर लोकसभा में हंगामा करने वाले सांसदों के निलंबन से सरकार को थोड़ी राहत, लेकिन राज्यसभा में हंगामे के पूरे आसार। सूत्रों की खबर, तेलंगाना पर हाईकमान के फैसले से नाराज आंध्र के सीएम किरण कुमार रेड्डी आज दे सकते हैं इस्तीफा। किरण कुमार रेड्डी राज्य के बंटवारे का जमकर कर रहे हैं विरोध, सोनिया मनमोहन के खिलाफ जता चुके हैं नाराजगी। तेलंगाना के विरोध में सोमवार को आडवाणी से मिले सीमांध्र के सांसद, बीजेपी से समर्थन की मांग। तेलंगाना पर बीजेपी अपने रुख पर कायम, आडवाणी ने कहा उनकी पार्टी तेलंगाना के पक्ष में, लेकिन सबकी सुनना चाहिए बात। तेलंगाना का विरोध कर रहे सीमांध्र के सांसदों ने राहुल गांधी से भी की मुलाकात, राहुल के सामने रखा अपना पक्ष। सूत्रों के मुताबिक सीमांध्र के सांसदों ने राहुल के सामने रखी 4 शर्तें, राहुल ने मांगों पर विचार करने का दिया भरोसा। सीमांध्र के सांसदों की मांगे, हैदराबाद को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिले भद्राचलम, सीमांध्र को दिया जाए सीमांध्र के पिछड़े इलाकों को मिले विशेष पैकेज। तेलंगाना के विरोध में दिल्ली में आंध्र के नेताओं का विरोध जारी, जगनमोहन रेड्डी का जंतर मंतर पर धरना। दिल्ली में भ्रष्टाचार कम होने के केजरीवाल के दावे पर उठे सवाल, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इंडिया ने कहा हमने नहीं किया कोई सर्वे।
केजरीवाल से नाराज ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इंडिया ने जारी की प्रेस रिलीज का दिल्ली में भ्रष्टाचार पर हमारे सर्वे की बात गलत। केजरीवाल ने कहा था उनके 49 दिनों के कार्यकाल में कम हुआ भ्रष्टाचार, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के सर्वे का दिया था हवाला। बजट के बाद दिल्ली में सीआईआई की बैठक में बोले केजरीवाल, कॉरपोरेट सेक्टर के खिलाफ नहीं है उनकी पार्टी लेकिन बेईमानी बर्दाश्त नहीं। ये गलत धारणा बनाई जा रही है कि आम आदमी पार्टी इज अगेंस्ट बिजनेस। वी आर नॉट अगेंस्ट बिजनेस, वी कांट बी अगेंस्ट बिजनेस। अगर बिजनेस बंद हो गया तो इस देश के अंदर रोजगार कहां से होगा। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के खिलाफ बीजेपी ने खुला मोर्चा, आपकी पोल खोलने के लिए जंतर मंतर पर सुषमा स्वराज का धरना। सुषमा स्वराज के साथ बीजेपी के कई बड़े नेता भी धरने में होंगे शामिल। जनता के सामने आम आदमी पार्टी की खोलेंगे पोल। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष विजय गोयल ने कहा आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की जनता से किया धोखा, हम चुप नहीं बैठेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने यह तय किया है कि आम आदमी पार्टी और उसके नेताओं को, उनके विधायकों को हम एक्सपोज करेंगे कि किस तरीके से जनता के साथ वादा करके उन्होंने वादा खिलाफी की। बीजेपी का ऐलान, बुधवार से पार्टी कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी के सभी विधायकों के इलाकों में जाकर करेंगे विरोध प्रदर्शन। राहुल के बाद अब मोदी की बारी, आज कर्नाटक में बीजेपी के पीएम उम्मीदवार करेंगे चुनावी सभाएं। मैंगलोर और देवानगिरी में मोदी की रैली, बीजेपी नेताओं का दावा, मैंगलोर में भीड़ जुटने का टूटेगा सभी पुराना रिकॉर्ड। योग गुरु रामदेव ने मोदी की तारीफ में फिर पढ़े कसीदे, कहा मोदी इतना ईमानदार अभी देश में कोई नहीं। योग गुरु रामदेव का दावा, मोदी देश में कहीं से भी चुनाव लड़े रिकॉर्ड जीत हासिल करेंगे। मोदी जहां से भी लड़ेंगे वहां से रिकॉर्ड तोड़ मतों से जीतेंगे, चाहे वो हरिद्वार से लड़ लें, चाहे वो काशी से लड़ लें, चाहे मथुरा से लड़ लें, चाहे वो जहां से लड़ लें। राहुल के खिलाफ मैदान में उतरे कुमार विश्वास का आज अमेठी में झाड़ू लगाओ बेईमान भगाओ अभियान, बड़ी रैली भी निकालेंगे। अभियान के तहत करीब 1200 पंचायतों में घूमेंगे कुमार विश्वास, रात को गांव में ही डालेंगे डेरा। अपनी उम्मीदवारी के ऐलान से पहले कुमार विश्वास अमेठी में डाल चुके हैं डेरा, गांव गांव घूमकर कर रहे हैं प्रचार। बागपत में आपके उम्मीदवार सुमेंद्र ढाका ने भी शुरू किया प्रचार, कहा अजीत सिंह अपने पिता चौधरी चरण सिंह के नाम पर नहीं विकास के नाम पर मांगे वोट। दक्षिण मुंबई से आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार मीरा सान्याल मिलिंद देवड़ा को चुनौती देने के लिए तैयार, कहा मिलिंद नहीं उनके पूरे परिवार से है मुकाबला। दिल्ली के निर्दलीय विधायक शोएब इकबाल लड़ेंगे लोकसभा का चुनाव, कहा चांदनी चौक से लड़ूंगा। शोएब इकबाल ने आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार आशुतोष को बताया बाहरी, कहा आशुतोष को चांदनी चौक का भूगोल नहीं पता। बिल्कुल बाहर के हैं, दिल्ली के भी नहीं है, यूपी के हैं, ईस्टर्न यूपी के हैं, तो यहाँ तो मतलब ही नहीं, यहाँ की इनको ज्योग्राफी ही नहीं पता है, यहाँ की जो बुनियादी जो ज़रूरत है वो नहीं पता है। पुरानी दिल्ली जो शहर है शाहजहानाबाद, उसके मुतालिक तो जानने में इनको सालों लग जाएगा। मशहूर गायिका जसपिंदर नरूला भी आम आदमी पार्टी से जुड़ी, संजय सिंह की मौजूदगी में पार्टी में हुई शामिल। जसपिंदर के साथ और कई लोगों ने ज्वाइन की पार्टी, चुनाव में टिकट मिलेगा या नहीं अभी ये तय नहीं। महाराष्ट्र में टोल नाकों पर हुई तोड़फोड़ की घटना पर राज्य सरकार की सख्ती, राज ठाकरे को भरना पड़ सकता है जुर्माना। महाराष्ट्र के गृहमंत्री आरआर पाटिल का बयान, नुकसान की भरपाई के लिए राज की संपत्ति अटैच कर सकती है सरकार। एमएनएस के मुखिया राज ठाकरे को राजस्व विभाग हरजाना भरने का दे चुका है नोटिस, जुर्माना नहीं भरने पर होगी कार्रवाई। राकेश मारिया को मुंबई पुलिस कमिश्नर बनाने को लेकर विरोध पर बोले आरआर पाटिल, कहा अब तक हमसे किसी ने नहीं जताई असहमति। सरकार के फैसले से नाराज डीजी अहमद जावेद छुट्टी पर गए, विजय कांबले ने नहीं संभाला ठाणे के पुलिस कमिश्नर पद का कार्यभार।
आज देवास के पास एक गांव में शिवराज सिंह चौहान की हाई प्रोफाइल कैबिनेट 1 करोड़ रुपए आएगा खर्च। नर्मदा शिप्रा नदी को जोड़ने वाली जगह उज्जैनी गांव में हो रही है कैबिनेट की बैठक, सभी 22 मंत्री होंगे मौजूद। बैठक से पहले शिवराज सिंह चौहान के लिए बनाया गया हेलीपैड, कैबिनेट के लिए बना आलीशान टेंट। कांग्रेस ने शिवराज सरकार के फैसले पर उठाया सवाल, सरकार के पास किसानों का अनाज खरीदने के पैसे नहीं लेकिन मौज मस्ती के लिए करोड़ों का खर्च। लोकसभा चुनाव के आहट के साथ ही जेडीयू में बगावत, महाचंद्र प्रसाद सिंह और देवेश चंद्र ठाकुर ने पार्टी छोड़ने का किया ऐलान। आज दिल्ली में ममता बनर्जी से मिलेंगे अन्ना हजारे, दीदी को लोकसभा चुनाव में समर्थन देने का ऐलान कर चुके हैं अन्ना। शाम 7 बजे अन्ना से दीदी के मिलने का कार्यक्रम, टीएमसी नेता मुकुल रॉय ने कहा अन्ना का समर्थन मिलना उनकी पार्टी के लिए गर्व की बात। केजरीवाल के भ्रष्ट नेताओं के लिस्ट पर पूछे सवाल पर बोले अन्ना का केजरीवाल, बताएं क्या सही है क्या गलत। राजीव गांधी हत्याकांड की सुनवाई में आज बड़ा दिन, मौत की सजा पाने वाले 3 मुजरिमों की किस्मत पर सुप्रीम कोर्ट करेगी फैसला। मामले में 3 दोषी संतन मुरुगन और पेरा रिवलन ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की थी दया याचिका, मौत की सजा को उम्र कैद में बदलने की मांग। मुख्य न्यायाधीश पी सदाशिवम की अध्यक्षता वाली खंडपीठ आज सुनाएगी अपना फैसला, कोर्ट के फैसले पर टिकी सभी की नजर। दोषियों के वकीलों ने दया याचिकाओं के निपटारे में देरी की थी दलील, केंद्र सरकार ने दलील को खारिज किया था। इस मामले में 4 फरवरी को पूरी हुई थी सुनवाई, आज सभी को फैसले का इंतजार। इंदौर में दिल दहला देने वाली वारदात, मामूली बात को लेकर एक सिनेमा घर में फिल्म देखने गए 12वीं के छात्र की चाकू से गोद कर हत्या। अपने दोस्तों के साथ शहर के आस्था टॉकीज में फिल्म गुंडे देखने गया था 12वीं का छात्र करण, सिर झुकाकर बैठने की बात पर पीछे बैठे युवकों से हुई थी कहा सुनी। चश्मदीदों के मुताबिक फिल्म देखने आए बदमाश करण को हॉल से जबरन खींचकर बाहर ले गए, फिर सीढ़ियों पर चाकुओं से गोद कर दी हत्या। छात्र की मौत के बाद शहर में बवाल, लोगों ने छात्र के शव को लेकर किया प्रदर्शन, सिनेमा हॉल पर भी पथराव, भीड़ को काबू में करने के लिए पुलिस ने किया लाठीचार्ज। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई खौफनाक वारदात, अब तक 1 आरोपी गिरफ्तार, बाकियों की तलाश में जुटी पुलिस। दिल्ली के जगतपुरी में लूटपाट के बाद बुजुर्ग महिला का कत्ल, कातिलों का अब तक सुराग नहीं। बदमाशों ने दिन दहाड़े घर में घुसकर किया महिला का कत्ल, वारदात के समय घर में अकेली थी महिला। महिला का पति हीरो का कारोबारी, घर वालों को पहले के किरायेदारों पर शक, पुलिस को घर में फ्रेंडली एंट्री का शक। दिल्ली के गाजीपुर इलाके में एक युवक की चाकू से गोदकर हत्या, आपसी रंजिश का शक। गाजीपुर में मछली का कारोबार करता था नौजवान, परिवार को एक महिला पर है शक। पश्चिम बंगाल के बर्दवान में एक महिला ने पुलिस वाले पर लगाया छेड़छाड़ का आरोप, सीजीएम कोर्ट में दर्ज कराई शिकायत। एक मामले में पीड़ित महिला के पति को पकड़ने के लिए पुलिस ने की थी महिला के घर छापेमारी, महिला का आरोप, थाना इंचार्ज ने की बदसलूकी। रेप केस में जेल में बंद आसाराम की एक और महिला ने खोली पोल, खुद को आसाराम की पत्नी बताया। जोधपुर कोर्ट में पेश हुई महिला का दावा, 5 साल पहले आसाराम ने उसे अपनी पत्नी बनाया था। माणक नाम की महिला ने किया दावा, 18 साल पहले आसाराम से हुआ था संपर्क, अहमदाबाद आश्रम में भी लगा रहा आना जाना।